सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। DCRUST की शोधार्थी नेहा को मिला 5 विदेशी विश्वविद्यालयों से PhD करने का ऑफर। भोला गांव की नेहा ढुल को अमेरिका के विश्वविद्यालय ने दिया 1,40,000 रुपए प्रतिमाह की स्कॉलरशिप। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के शोध की ख्याति वैश्विक स्तर पर फैलने लगी है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और गुणवत्ता परक शोध के कारण विद्यार्थियों को विदेशों में PhD के लिए स्कॉलरशिप करने के ऑफर मिल रहे हैं। DCRUST की MSc की छात्रा नेहा ढुल को 5 विदेशी विश्वविद्यालय से PhD करने का ऑफर मिला है। नेहा को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने 1,40,000 रुपए की प्रतिमा की स्कॉलरशिप प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा कि विश्वविद्यालय के MSc के स्तर का पाठ्यक्रम में शोध को शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थियों को PhD करने से पूर्व ही अनुसंधान का अनुभव मिल जाता है, जिससे उन्हें भविष्य में PhD में वैश्विक स्तर पर प्रवेश करने का मार्ग आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि DCRUST द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर कराए जाने वाले अनुसंधान देश के ख्याति प्राप्त IIT और विश्वविद्यालयों के समानांतर हैं। कुलपति प्रोफेसर अनायत ने कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए प्रयोगशाला में राष्ट्रीय स्तर के उपकरण उपलब्ध हैं ताकि अनुसंधानकर्ता के शोध में गुणवत्ता की प्रधानता हो। नेहा ढुल को 5 विदेशी विश्वविद्यालयों से PhD का ऑफर मिलने से विश्वविद्यालय के शोध की गुणवत्ता पर वैश्विक स्तर की मुहर लगी है। उन्होंने नेहा ढुल को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें नेहा से प्रेरणा लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर अपने माता पिता और राष्ट्र का नाम रोशन करें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। PhD के लिए विद फेलोशिप ऑफर मिला। यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है। हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर खासा हमेशा बच्चों की हेल्प। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आगे से आगे बढ़ें और रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है उसको आगे लेके जाएं और अच्छे से काम करें। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। जो अगर किसी को मुझसे सहायता की ज़रूरत है कि मैं गाइडेंस दे सकूं, तो मुझे संपर्क करें। मैं हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। यूनिवर्सिटी के कुलपति और सभी टीचर्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उसके अलावा मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, मैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डीक्रस्ट मुरथल। अपनी मेरी जो स्टूडेंट है नेहा, इसने MSc में मेरे साथ फेराइट्स मटेरियल्स के ऊपर काम किया था, तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस डेजर्टेशन के वर्क को लेकर के उसको इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में इसका PhD में एडमिशन हुआ है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही सिंसियर थी नेहा, और बहुत अच्छा इसने प्रोजेक्ट में काम किया है, और इस सिलेक्शन के लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ, और फ्यूचर में भी ये बढ़िया काम करके यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेगी। थैंक यू। हमारी एक स्टूडेंट थी नेहा ढुल। नेहा ढुल ने डॉक्टर अशोक कुमार के साथ काम किया और उसने अपना डिजिटेशन सबमिट किया, और उस डिजिटेशन का उसको इतना फायदा हुआ कि वो लड़की आज विदेश में 5 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट हुई है PhD करने के लिए, और जो उसकी PhD स्कॉलरशिप है वो नियर अबाउट 1.5 लाख है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर अशोक को बधाई देता हूँ जिनके सुपरविजन में इस लड़की ने अपना डिजिटेशन प्रोजेक्ट किया। ये लड़की हमारे बहुत ही, ये कह सकते हैं, उनके एक नॉर्मल परिवार से है। इसके पिताजी पुलिस में, माँ हाउसवाइफ है, और उसके इस परिवेश से निकलने के बाद उस लड़की ने अपने आप को वर्ल्ड में प्रेजेंट किया है, और जब ये लड़की PhD करके आएगी तो ये देश का नाम भी करेगी, हरियाणा का भी नाम करेगी, इस यूनिवर्सिटी का भी नाम करेगी, और अपने गुरुजनों का भी नाम करेगी। Yes. Oh.
आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट मिस नेहा दुल शी जस्ट कम्प्लीटेड हर एमएससी फिजिक्स फ्रॉम दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड हर नेट एग्जामिनेशन एंड जेआरएफ बोथ क्वालिफाइड एंड ऑल्सो शी क्वालिफाइड दी physics GRE in a very high score and she has already offered admissions in various universities like Washington State University in USA with a $2,000 scholarship, Nebraska Lincoln with another $1,900 and University of Nevada Reno with $1,850, University of Arkansas with $1,850 and Sun Kumaon University in Samsung, South Korea. She got a scholarship of $1,500. So it's a proud moment for Deakrush University where the students who come from the nearby villages, they also qualify all international examinations and get into top-ranking universities in the world. I wish Neha Dul great time ahead.